नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आए दिन हमें ट्रैफिक पुलिस की दबंगई देखने को मिलती है, जब वो अपने वर्दी के लेकर के रौब दिखाते हुए नज़र आते हैं, आम लोगों को परेशान करते हुए नज़र आते हैं। और एक बार फिर से एक ऐसा ही तस्वीर सामने आया है यूपी के अलीगढ़ से। दरअसल यूपी के अलीगढ़ में एक ट्रैफिक पुलिस ऑटो पे सवारी कर रहे थे और सवारी करने के बाद जब वो उतरे तो वहाँ पर चालक ऑटो चालक ने उनसे किराया मांग लिया। किराया मांगने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने अपने वर्दी का रौब दिखाया और किराया देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ऑटो में बैठे सवारी ने इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें किराया देना चाहिए, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस को गुस्सा आ गया और उसके बाद उसने जो सवारी थी उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद उस सवारी को भी गुस्सा आ गया और उसने भी ट्रैफिक पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों में भयंकर भिड़ंत हो गई। ये घटना आपको हम बताएं कि कोतवाली ऊपर कोट क्षेत्र के दुबे पड़ाव के इलाके की है, जहां रविवार की रात मानसिक चौक के नज़दीक किराए को लेकर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही और ऑटो में सवार एक यात्री के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली है। पहले ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने यात्री को मारा और इस बेसिस पे मारा कि वो उन्हें किराया देने को कह रहा था, उसे मारा। उसके बाद वो यात्री लहूलुहान हो गया, उस यात्री को भी इस बात का गुस्सा आया और उसके बाद उसने भी ट्रैफिक पुलिस पर हमला बोला और दोनों में भिड़ंत देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का सिपाही रवि कुमार हथरस गेट में तैनात है। रविवार की रात को सिपाही रवि ऑटो में बैठकर हथरस अड्डे से रोडवेज बस स्टैंड जा रहा था। दुबे के पड़ाव स्थित मानसिक चौक के पास पहुंचते ही सिपाही ऑटो से उतरा और चालक ने सिपाही से किराए की मांग कर दी, जिसके बाद सिपाही अपने वर्दी का रौब दिखाने लगा और रौब दिखा करके उसे किराया देने से इनकार कर दिया। इसको लेकर के ऑटो में पीछे बैठे जो यात्री थे वो विरोध किए और विरोध करने के बाद ये पूरा घटना हो गया। इस घटने को वहाँ पर स्थानीय कुछ लोग थे जो कि अपने कैमरे में कैद कर लिए हैं। ये वीडियो भी हमारे पास है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बड़े बड़े लोग इसे ट्वीट कर रहे हैं और अलीगढ़ पुलिस को भेज रहे हैं। हम चाहेंगे सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जो ट्रैफिक पुलिस हैं और यात्री के बीच भिड़ंत देखने को मिली है, दोनों एक दूसरे पर काफ़ी गुस्से में एक दूसरे को मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर अलीगढ़ पुलिस का भी एक ट्वीट आया है। अलीगढ़ के पुलिस ने क्या कुछ ट्वीट किया है हम आपको वो भी बता देते हैं। अलीगढ़ के पुलिस की तरफ से ट्विटर हैंडल की तरफ से एक ट्वीट किया गया, इसमें लिखा है कि एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें दो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों का नाम पता ज्ञात हो गया है, दोनों को पूछताछ हेतु बुलाया गया है। प्रकरण की जांच क्षेत्र अधिकारी प्रथम को सौंपी गई है, जांच व कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। तो इस तरीके से अब अलीगढ़ पुलिस ने भी इस पर तुरंत एक्शन लिया है और दोनों ही लोगों को बुलाया जाएगा कि क्या कुछ कैसे मामले की शुरुआत ही उनसे पूछताछ की जाएंगी और जिसकी गलती होगी उस पर कार्रवाई भी की जाएंगी। लेकिन उस वक्त और भी जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी इस बात का खंडन किया। हालांकि आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस ने और भी सिपाहियों को वहां पर फोन करके बुलाया कि उन्हें पीटा जा रहा है और वो आकर के कार्रवाई करें उस यात्री पर, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उनके कोई भी सिपाही दोस्त ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि ये गलत था कि ट्रैफिक पुलिस एक तो अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे थे और उसके बाद जब इस बात का खंडन किया गया तो उसे मारने भी लगे, यानी कि साफ तौर से दबंगई एक बार फिर से देखने को मिली है, जिसे लेकर के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के जो पत्रकार हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने भी ट्वीट किया है और इस पे जल्द ही एक्शन लेने की बात की गई है। अब देखना ये होगा कि अलीगढ़ पुलिस कितनी जल्द इस
बात पे एक्शन लेती है। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों ही जब मारपीट कर रहे थे तो लहूलुहान हो गए थे और इसीलिए दोनों का इलाज चल रहा है। और अलीगढ़ पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया भी जाएगा। अब देखना यह होगा कि कब तक अलीगढ़ पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करती है। और भी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।